हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है मेरी फुल प्रिपरेशन हरितालिका तीज व्रत के लिए। कुछ इस तरीके से रेडी किया था मैंने मंडप। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लगती है इस पूजा में। हमारे यहाँ फ्रूट्स 5 चढ़ाए जाते हैं, वो भी बांस की टोकरी में। तो यहाँ मैंने वही रखी है। सुहाग की सारी सामग्री माँ गौरा के लिए, साड़ी, चूड़ी, पायल, मेहंदी, सभी कुछ जो भी आप चढ़ाना चाहे। देन यहाँ पे मैंने फल रखी है, पंचमेवा रखा है, पंचामृत, कच्चा दूध, और ये मेरे शादी का सिंगोरा, सिंदूरदानी जिसे बोलते हैं, अखंड दीपक, कलश, एंड ये पार्थिव शिवलिंग हैं, गणपति जी हैं एंड माँ गौरा हैं। यहाँ मैंने आरती की प्रिपरेशन की है, फूल माला रखा है, एंड एक साइड पे मैंने केले का वृक्ष और दूसरी तरफ तुलसी माँ को विराजमान किया है। एंड कुछ इस तरीके से मैंने मेरे मंडप को तैयार किया है तीज पूजा के दिन के लिए। हमारे यहाँ तीज पूजा पे पंडित जी के द्वारा ही पूजा कराई जाती है, बहुत जगह पे ऐसा नहीं होता है, बट मैं वही रिचुअल्स फॉलो करती हूँ जो मेरी मदर इन लॉ करती हैं। तो हमारे यहाँ सभी लोग पंडित जी के द्वारा ही पूजा करवाते हैं, तो मैंने भी ऐसा ही किया। देवा लक्ष्मी नाम त्रिगुणम भुजम स्मरामि लाभेत योग्यम कृतवा प्रसीदे मंत्राणाम त्रिगुणम देव्यम प्रसीदे राक्षराक्षम त्रिगुणा प्रसीदे नारायण योग्यम त्रिगुणम प्रसीदे सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वादितं साधिते शरण्ये तेम्बे के गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वबाधा विनिर्मोक्ते धनं धान्यं सुतां च नमो नमः शुद्ध्योष्णानं समर्पयामि शुद्ध्योष्णानं समर्पयामि। इस पूजा को शाम के टाइम में ही पूरी की जाती है, तो सुबह मैं शिव जी के मंदिर गई थी, वहाँ मैंने पूरी पूजा की। एंड देन शाम के टाइम पे अप्रॉक्स 6:30 से मैंने ये पूजा स्टार्ट की थी, एंड अच्छी खासी 2-2.5 घंटे की ये पूजा चलती है। तो मेरी पूजा अप्रॉक्स 8:30 तक फिनिश हुई थी। वैसे तो इतने दिनों से मैं ये पूजा कर रही हूँ, मीन्स ये मेरी 8th तीज पूजा थी, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली हर चीज़ की आइडिया है कि इसके बाद क्या करना है। बट फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ पंडित जी के द्वारा ही करवाते हैं, तो मैं उनके द्वारा ही संपन्न कराती हूँ। निर्जला उपवास होता है इस दिन। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस पूजा में जल और अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, नेक्स्ट डे पारण करते हैं। हर जगह की डिफरेंट रिचुअल्स होती है। कैसे करते हैं आप सब अपनी तीज पूजा, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। पूजा संपन्न हो जाने के बाद हवन करवाया पंडित जी ने। ये हवन की क्लिप्स हैं। बहुत ही अच्छे से पूजा करवाई पंडित जी ने, एंड बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग से तो सुबह से थोड़ी प्यास लग रही थी, बट एक बार पूजा होना स्टार्ट हो गया फिर कुछ भी फील नहीं हो रहा था।
प्रशीले प्रशीले महागुणस्य सर्वशान्तिकं विरामे तस्मादिकं कुल महारूपिणं सर्वशान्तिकं विरामे स्वाहा। ओम ग्रह रूपिणं नवग्रह देवतानां तस्मादिकं कुल महारूपिणं तस्मादिकं विरामे शाश्वतिकं। हवन पूर्ण हो जाने के बाद आरती करवाई पंडित जी ने, तो हम दोनों यहाँ आरती कर रहे हैं। पूरी आरती काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने कट कर दी है। पहले उन्होंने गणपति जी की, फिर शंकर भगवान की, फिर माता गौरी की आरती करवाई। सो यस, ये थी मेरी पूजा। ऐसे संपन्न की मैंने मेरी पूजा। फिर सुबह 4 o'clock उठते हैं, फिर ये सारा कुछ हटाते हैं, माँ गौरा से सुहाग लेते हैं एंड चौकी वगैरह हटाते हैं, फिर पारण करते हैं। सो कुछ इस तरह की होती है ये पूजा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।